और विजयमाला के जो 2,25,000 मनके हैं वो जब रुद्रमाला से मिल जाएंगे, 4,500 का संगठन बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने बताया कि वो इकट्ठे प्रचारित करेंगे, जैसे जोगवल से मतलब के बच्चे वगैरह होंगे, जो नई दुनिया वाले, कृष्ण का जन्म होगा 18 में लगभग, तो उससे पहले वो मतलब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे या अपने अपने स्थानों पर होंगे दोनों मनके? नंबरवार प्रचार अनुसार जैसे उनकी जोड़ियां बनेंगी तो वो किस साल तक बननी चाहिए? जोड़ी बनने का मतलब पहले आत्मिक स्थिति में रह करके जोड़ी बनेगी कि देवान के सहित जोड़ी बनेगी? तो जो आत्मा बनेगी उनको जोड़ी की क्या चिंता रहेगी? जिनको जोड़ी की चिंता है वो स्वधर्मी है या विधर्मी है? क्या है? जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो अपनी शादी अपने आप कर लेती है, उनको ज्यादा चिंता रहती है। तो राम वाली आत्मा जो है सीता वाली आत्मा से नहीं मिलेगी क्या? बड़ी भारी चिंता है, लग ही रहेंगे क्या? ये संकल्प जो है, ये संकल्प देह अभिमानियों को उठेगा, कृष्ण का जन्म ऐसी हो जाएगा, विदेशी आत्माओं को उठेगा कि हम साथ साथ रहें देह सहित, या आत्मा बनने वालों को उठेगा? रूहानी बाप किनको पढ़ाते हैं? रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं जिन्हें पहले से ही चिंता हो हमारी जोड़ी किसके साथ बनेगी, कैसे बनेगी। बहुत से तो रुद्रमाला के अंदर ही जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। बाबा जोड़ी तो बनी नहीं ऐसे तो चलो तो ठीक है, संकल्पों में ही मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मतलब क्या हुआ जी, जोड़ी का मतलब क्या हुआ फिर? जोड़े बनाए 2,25,000 उनका क्या मतलब क्या हुआ, उनका कपल कैसे बनेंगे? भारत में पत्नियां जौहर करती थी, जान जाती थी कि युद्ध में हार हो गई, पति ने शरीर छोड़ दिया तो शरीर मिलेगा उनको? उनको शरीर मिलता था क्या? अरे जिंदा शरीर की आस पूरी होती थी नहीं होती थी? फिर क्या कर देती थी? कौन सी आस लगा के? आत्मा से मिलेंगी या वही शरीर मिलेगा? आत्मा से मिलेंगी। ये तो वो तो देवान की दुनिया थी, और अभी तो हम ब्राह्मणों की दुनिया कौन सी है? आत्मा अभिमानियों की दुनिया है। देह अभिमान के तो संकल्प आना ही नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम ललक लेके जी रहे हैं ब्राह्मण जीवन में कि विजयमाला से कोई निकलेगी। इस दुनिया के जो युगल हैं उनसे तो आपस में बनती नहीं है, तो आस धरी हुई है। और जहाँ जगत होता है वहाँ जगदम्बा भी होती है, जगत पिता भी होता है। जगत नहीं होगा तो दोनों ही नहीं होंगे। जो युगल जोड़ी है ना, वो जो एडम ईव की है, एडम ईव की है, वो तो ये साथ बनी है। एडम और ईव जो कहा जाता है वो जगत पिता जगदम्बा की बात है या भारत माता की बात है? नहीं तो एक में तो बोला ना कि जो क्या नाम है, एक के पति बने थे, ये सब पति बन जाते हैं। तो पतित बनने की शुरुआत जगदम्बा से होती है या भारत माता से होती है? तो जगदम्बा के साथ जगत पिता होगा कि नहीं? तो होंगे, साथ ही साथ रहेंगे ना फिर। होगी भारत माता, लेकिन किस रूप में होगी ये तो पता नहीं। साथ में होंगे, कोई न कोई संबंध में साथ होंगे, ढेर सारे संबंध हैं।
कोई जरूरी है थोड़ा ही है कि पति पत्नी का संबंध ही साथ निभाने वाला होता है, और संबंध साथ निभाने वाले नहीं होते हैं क्या? और पद्म फूल के समान कोई रहती है तो पद्मा नदी का गायन है। और भगवान कहते हैं तिरासी दिन एक ही है जो सारे एक के साथ सिफार हो जाते हैं। अरे 500-700 करोड़ की दुनिया है, उन 500-700 करोड़ आत्माओं में राम वाली आत्मा का तो सबसे कनेक्शन है, उसके लिए तो ये संभव नहीं है। क्या कि संगम युग में एक के साथ ही रहे, यहां रहेगा तो वहां भी रहेगा, यहां नहीं रहेगा मन बुद्धि से तो वहां भी नहीं रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में कोई पत्ता तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर जो खून का संबंध होता है पति पत्नी का, उसमें एक के साथ रहे, खास करके पत्नी के रूप में। क्योंकि स्त्री जब व्यभिचारिणी बनती है तो जास्ती पतन होता है, पुरुष अगर व्यभिचारी बनता है तो उतना पतन नहीं होता है। स्त्री के व्यभिचारिणी बनने से खून ही खराब हो जाता है, खून अंदर पेट में जाता है, पुरुष के पेट में खून नहीं जाता है।